भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में एक दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसएस संरक्षण डॉक्टर सरला आत्राम एवं प्रोफेसर बी समुंद के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत कांकेर पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह रैली कॉलेज से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड से होते हुए कॉलेज कैंपस तक पहुंची। इस रैली में स्वयं सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ी वेशभूषा का प्रदर्शन किया गया तथा स्वयं सेवकों द्वारा भारत माता की जय, महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वामी विवेकानंद जी का नारा बुलंद आवाजों में लगाया गया। पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। ओके, द्वारा जो भव्य रैली निकाली गई है, क्या जानकारी है? हम लोगों का सात दिवसीय शिविर, राष्ट्रीय सेवा योजना का सात दिवसीय शिविर यहाँ से 28 तारीख को प्रारंभ हुआ था। आज शिविर के पांचवें दिन हम लोगों ने भव्य सांस्कृतिक रैली पीजी कॉलेज से निकाली है, जो कि पीजी कॉलेज से रैली निकलकर नगर भ्रमण करते हुए पुराना बस स्टैंड से मुड़ के वापस पीजी कॉलेज में समाप्त हुई है। रैली में हम लोगों ने बस्तर की संस्कृति एवं संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें हमारी रैली में हमारी कई बहनें कोई भारत माता बनकर, कोई छत्तीसगढ़ माधारी बनके एवं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई थी। सभी रैली के विषय में बहुत उत्साहित थे और भव्य रैली हमारी यहाँ पर पीजी कॉलेज में अंतिम में समाप्त हुई। रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? रैली का मुख्य उद्देश्य अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाना था। आप लोगों ने जो सात दिवसीय शिविर लगाए हैं एनएसएस कैंप का, क्या उद्देश्य है? जी, इस बार हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास के लिए युवा, और महाविद्यालय में ज़्यादातर गांव के युवा आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उन लोगों को एकत्रित करके उन्हें जागृत करना चाहते हैं कि वो एकजुट होकर एक साथ गाँव का विकास कर सकते हैं और नवराष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं।